नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहरा पुंज, और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे बाबा की। जी हां, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नौबतपुर यात्रा की शुरुआत पहले जोरदार तैयारियों से हो चुकी है। हनुमंत कथा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री कल पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आज 7500 कलश के साथ महिलाओं ने यात्रा निकाली। ये सभी महिलाएं जल लेकर कथा स्थल तरेत मठ तक पहुंची हैं और सभी ने हनुमान प्रतिमा की परिक्रमा भी की है। कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग झलक है इस कार्यक्रम की। पहली तस्वीर में महिलाएं जो है, आप बता दें कि बताया जा रहा है कि 7500 महिलाएं हैं जिन्होंने इस कलश यात्रा में भाग लिया है। वहीं पर नीचे एक और तस्वीर है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा करती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि वहीं पर तरेत मठ तक पहुँचती हुई महिलाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं कल से बाबा का ये कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कल से हो जाएगी, उससे पहले आज जो खूबसूरत तस्वीरें थी कलश यात्रा की, कतारबद्ध तरीके से महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेती हैं और हजारों, 7500 बताया जा रहा है, 7500 महिलाएं इस कलश यात्रा में भाग लेती हैं। तो भव्य दरबार लगेगा, भव्य कलश यात्रा से दरबार का आगाज हुआ है। 7500 महिलाएं को बता दें कि इस कलश यात्रा में जिस तरह से महिलाएं थी, महिलाओं में तो उत्साह देखने को मिल ही रहा था। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमाम वर्ग के जो लोग थे, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, और चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित थे, सभी में उत्साह जो था वो चरम पर देखने को मिल रहा था। ये दो तस्वीरें देखिए, महिलाएँ हैं कलश लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। और आपको बता दें कि तरेत मठ तक ये कलश यात्रा निकाली जानी थी और वहाँ पर जाकर मंदिर की परिक्रमा, भगवान हनुमान की परिक्रमा की जानी थी। और महिलाओं में उत्साह देख लीजिए, बाबा का नाम जपते हुए दिखाई देती हैं। उस दरमियान कई चीज़ें देख, महिलाएं कहती भी हैं कि बाबा के आने का जो है बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। अलग अलग राज्यों में जाकर बाबा की कथा सुनने के लिए जाया करता था, लेकिन अब जब बिहार में वो आ गए हैं, उन्हीं के राज्य में वो आ गए हैं, तो इस समय को वो कहीं पर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। किस तरह से भी इस चीज़ को बिल्कुल हाथ से जान नहीं देना चाहते हैं। बाबा के कार्यक्रम में वो जाकर बाबा के वाचन को सुनना चाहते हैं। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु जो है अपने माथे पर कलश लेकर पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। इसी दौरान जय श्री राम के नारों के साथ पूरा नगर गुंजयमान हो जाता है। वहीं पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ मुस्तैद भी रहा। और ये देख लीजिए, शंखनाद होता है। आप तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप ये चीज़ समझ पाएंगे किस तरह से जो है ये बाबा के कार्यक्रम का आगाज़ जो है आज से कलश यात्रा से हो चुका है। कल कार्यक्रम भी है और उसी दौरान जो है सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। DM और तमाम अधिकारी भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए दिखाई देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कल कार्यक्रम यही होना है। देखिए, कह सकते हैं कि भक्तिमय माहौल है और भक्ति की शक्ति जन सैलाब के तौर पर उमड़ी है। देखिए, ये नारे हैं, ये जयकारे हैं, ये जयकारों की तस्वीर है। देखिए किस तर्ज पे लोगों में उत्साह है। आपको तस्वीर दिखाते हैं हम पीछे की, जहां तक नजर जाएगी वहां तक, कैमरे की निगाह से जहां तक हम तस्वीरें पहुंचा सकते हैं वहां तक महिलाएं हाथ में कलश लेकर यहां पहुंची हैं। लोगों के हाथ में बजरंगबली का ध्वजा लेकर लोग यहां पहुंचे हैं। 7000 से अधिक महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। आज ये सैलाब महिलाओं का है। महिला हर उम्र की इस जुलूस में, इस जो पूरा प्रोसेशन आया है उसमें शामिल हैं। हर वर्ग की महिला शामिल हैं। सब बस इसी इंतजार में हैं कि कब बाबा बागेश्वर यहाँ आते हैं और आकर उन्हें संबोधित करते हैं। उनका जो पूरा यहाँ कार्यक्रम है वो कब शुरू होता है। अभी से ही मैं ये बता दूं कि अभी से ही लोग यहाँ ठहरने लगे हैं। लोगों के रुकने का की जो व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया गया है और लोग अभी से ही ठहरने लगे। साथ ही साथ यहाँ पर बाबा बागेश्वर के स्वागत में घोड़े बुलाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जब बाबा बागेश्वर का कारवां पहुंचेगा तो घोड़े आगे आगे चलेंगे और उसके पीछे उनका पूरा कारवां चलेगा।
कुल मिला के तस्वीर बेहद विहंगम है, लोगों का उत्साह चरम पे है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो आयोजक 3 लाख का दावा कर रहे हैं वो 3 लाख का आंकड़ा होता है या आंकड़ा उससे भी आगे जाता है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, नौबतपुर। हनुमान कथा के लिए जो कलश यात्रा निकाली गई है वो 2 किलोमीटर की यात्रा महिलाओं द्वारा तय कर ली गई है। अब 1 किलोमीटर महिलाओं को और जाना है, जहां 20 फीट की प्रतिमा बजरंग बली की बनी हुई है। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कलश यात्रा में शामिल है। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान का नारा लगा रहे हैं। ये नारा के पीछे वजह चल रही है, इसमें ये लोग जो शामिल है उन्हें पता नहीं है भगवान के नाम का सहारा ले पाए और अपने मुकाम तक पहुंचे। वो 7,500 महिलाओं का ये लंबा कतार जो है ये निकला है। और देखिए ये महिलाएं गीत गा रही हैं, भगवान की देखिए किस तरह की गीत है, आपको सुनाने की कोशिश करें। बिल्कुल ये महिला क्यों गीत गा रहे हैं आप लोग, क्या है यार, किसके लिए? आप भी कुंवारी कन्या है, आप किस कलश की क्या मनोकामना? तो बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री की जय, धीरेंद्र बाबा की जय, बाबा बागेश्वर की जय, ये तमाम नारा के साथ ये महिलाएं चल रही है ताकि इन्हें एक उत्साह मिले और सफर को तय करने के लिए भगवान और प्रभु की गीत गाई जा रही है, बागेश्वर की जय की जा रही है। इस वक्त पहुंच चुके हैं तरेत मठ में नौबतपुर, जहां बजरंग बली की 20 फीट की प्रतिमा बनाई गई है और जो कलश यात्रा लेकर 7,500 महिलाएं सड़क से गुजर रही हैं वो तमाम महिलाएं यहां पहुंचेंगी और पहले मंदिर का परिक्रमा करेंगी, उसके बाद बजरंग बली के चारों तरफ कलश की स्थापना करेंगी और इस स्थापना के बाद जो विधिवत पूजा है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और उस पूजा की शुरुआत के बाद जो कल धीरेन्द्र शास्त्री का 5 दिन का हनुमान कथा है उस कथा की शुरुआत होगी और लोग उसके उनके प्रवचन से प्रभावित होंगे, सुनेंगे। तो इस वक्त आप ये जो लंबी कतारें हैं ये देख सकते हैं, 3 किलोमीटर की सफर तय करके ये महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होकर यहाँ पहुंची हैं और अब ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद ये बजरंग बली की प्रतिमा की परिक्रमा करेंगी और यहाँ कलश का स्थापना होगा। तो लगातार हमारी जो टीम है पूरी टीम कलश यात्रा के साथ लगी हुई है और कलश यात्रा में पैदल शामिल होकर नौबतपुर के तरेत पाली मठ पहुंची है और यहां उन तमाम चीज की कवरेज कर आपको तस्वीर दिखा रही है। नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के लिए निकाली गई कलश यात्रा जो 3 किलोमीटर की सफर तय करके 7,500 महिलाएं कलश लेकर मंदिर की परिक्रमा के बाद अब बजरंग बली के प्रतिमा के पास पहुंच चुकी हैं, जहां उस गोल घेरा बनाकर वो तमाम कलश की स्थापना की जाएगी और स्थापना के बाद बाबा बागेश्वर की जो हनुमंत कथा है कल से उसकी शुरुआत होगी, लोग उस हनुमंत कथा को सुनेंगे और यही वो प्रतिमा है बजरंग बली की जो 20 फीट की बनाई गई है और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ये जैसा यहाँ के भक्त बता रहे हैं और भक्तों में कितना उत्साह है आप ये देखिए कि ये 3 किलोमीटर सफर तय करके कलश लेकर बजरंग बली के चरणों में पहुंची हैं, उसके बाद भी इनमें काफी खुशी और उत्साह दिख रही है। अब यहाँ के बाद ये तमाम महिलाएं बाबा की पूजा करेंगी और उनके शरण में कलश स्थापित करके अब कल से जो बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा की शुरुआत होनी है उस प्रवचन का प्रलाभ उठाएंगे, उस प्रवचन को सुनेंगे और उनकी प्रवचन सुनने के बाद लोग
उनकी दीदार पाने के लिए काफी उत्साहित है, इसका अंदाजा इसको देखकर आप लगा सकते हैं। पूरी सफर में जी मीडिया की टीम लगातार इन लोगों के साथ बनी रही, इनके साथ रही, और अब हम आपको यहाँ उस स्थल पर पहुंचाए हैं जहाँ कलश की स्थापना की जा रही है। 7,000 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाला गया है। जी मीडिया की टीम कलश यात्रा के साथ साथ चल रही है। महिलाओं में कितना उत्साह है, जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाते हुए तमाम लोग बढ़ते चल रहे हैं। हम इन्हें रोक नहीं सकते हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं वो काफी थक चुकी हैं। इसमें कई बूढ़े जवान कई तरह की महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं हैं। हम यही लोग से किस तरह का उत्साह मिल रहा है, है? चलते रहिए। देखिए ये तमाम महिलाएं कहाँ निकल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी उत्साह है और ये महिलाएं जो हैं ये जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रही हैं ताकि इन्हें हौसला मिले और इस हौसले हिम्मत के साथ ये बढ़ सके। ये छोटी छोटी बच्चियां भी इस कलश यात्रा में शामिल है, तमाम लोग हैं, बूढ़े जवान बच्चे तमाम लोग इस कलश यात्रा में शामिल हैं। और जी मीडिया की टीम भी इस कलश यात्रा में 3 किलोमीटर की सफर तय कर रही है। इन महिलाओं के साथ साथ कलश यात्रा में हम लोग भी शामिल हैं और इनके साथ साथ पैदल उस मठ तक जा रहे हैं जहां 20 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है और वहां ये महिला कलश रख के उस मूर्ति की परिक्रमा शुरू करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बाबा जो आने वाले हैं उनको लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई है और कलश यात्रा के बाद कल से हनुमंत कथा की शुरुआत होगी जो 5 दिन तक चलेगा। मीडिया के लिए नौबतपुर से इश्तियाक खान। इस वक्त पहुंच चुके हैं तरेत मठ में नौबतपुर, जहां बजरंगबली की 20 फीट की प्रतिमा बनाई गई है और जो कलश यात्रा लेकर